नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज के प्रमुख शैक्षिक समाचार। स्कूल में दूध सप्लाई पर मांगा कमीशन, घूस लेते प्रधानाध्यापक गिरफ्तार, उदयपुर। अब स्कूली बच्चे अपने परिजनों से भरवाएंगे मतदान के संकल्प पत्र, भरतपुर। प्राइमरी स्कूल में नहर का ओवरफ्लो पानी भरा, किराए के कमरों में चला रहे कक्षाएं। आज स्कूलों में होंगे खेल कूद व अन्य कार्यक्रम, कोटा। कोटा यूनिवर्सिटी में युवा दिवस पर होंगे कार्यक्रम, स्टूडेंट्स देंगे विभिन्न प्रस्तुतियां, कोटा। छात्रवृत्ति के आवेदनों का निस्तारण 15 से पहले करना जरूरी, चित्तौड़गढ़। इग्नू के 156 पाठ्यक्रम में प्रवेश शुरू, 15 जनवरी तक आवेदन। बीएड और एमबीए की प्रवेश परीक्षा 26-16 दिसंबर को। विद्यालय संचालन के खिलाफ छात्र के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज, कपासन। सरकारी स्कूल की जमीन पर भी होने लगे अतिक्रमण। 8वीं बोर्ड के आवेदन भरने से वंचित अभ्यर्थियों के लिए 2 दिन शेष। नीट एमडीएस के लिए कराना होगा बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, चित्तौड़गढ़। पूरक अंक तालिकाएं जिला मुख्यालय पर पहुंची, चित्तौड़गढ़। सामान्य एमएससी नहीं पढ़ा सकेगा मेडिकल कॉलेज में, सामान्य एमएससी नहीं पढ़ा सकेगा मेडिकल कॉलेज में, चित्तौड़गढ़। परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम किए जाएंगे रिवाइज, चित्तौड़गढ़। मुख्य परीक्षा के लिए 5 अभ्यर्थी और सफल, एक का परिणाम निरस्त, अजमेर। स्कूल व्याख्या तक के 5,000 पदों के लिए 6 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। भर्ती का अवसर, मैनेजमेंट के स्टूडेंट एमबीआई के 47 पदों पर कर सकते हैं आवेदन। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के 64 पदों के लिए करें आवेदन। भर्ती की खबर, सीडीएस फर्स्ट 2019 के 417 पदों के लिए आवेदन 26 नवंबर तक। आठवें के ऑनलाइन फॉर्म 26 तक भरे जा सकेंगे, अजमेर। बाल दिवस पर आज बांसवाड़ा के 6 बच्चे राष्ट्रपति से मिलेंगे, बांसवाड़ा। शिक्षकों ने मांगी मतदान के दौरान पर्याप्त सुविधाएं। नॉन मेडिकल में क्लिनिकल में एमडी एमएससी के साथ डीएनबी को जोड़ा, जोधपुर। तो ये थे आज के प्रमुख शैक्षिक समाचार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में वीडियो को लाइक भी करना। धन्यवाद।